फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मेरे पास जो फ़ोन है आप देख सकते हैं, ये है पोको C31। तो आज मैं इसी का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। C31 है फ़ोन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है सिम इजेक्टर टूल। इसके नीचे जाएंगे तो शायद कवर भी देखने को मिले, तो कवर तो इसमें नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर से कवर को गायब कर दिया गया, जो कि कवर होना चाहिए इस फ़ोन के अंदर, जो कि इसके साथ आपको कवर नहीं देखने को मिलता है। शायद इसमें रहा होगा पर इन्होंने निकाल दिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर फ़ोन के साथ क्या होगा। और फ़ोन में आपको कुछ इस टाइप से आपको दिया जाता है प्रोटेक्शन, इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, तो आप इसका प्रोटेक्शन भी लगवा लीजिएगा। तो इसको रख देता हूँ साइड में। और यहाँ से आपको डिज़ाइन की बात करें तो आपको यहाँ पे इस टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलता है, टेक्सचर दिया गया है इसमें। यहाँ पे स्लिम लाइक जो गूगल पिक्सल है उसका डिज़ाइन दिया गया है। और नीचे की तरफ आपको स्पीकर देखने को मिलता है और नॉर्मल USB केबल देखने को मिलता है, चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे माइक देखने को मिलता है, प्लास्टिक बॉडी है। और यहाँ पे वॉल्यूम रोकर देखने को मिल जाता है और साथ में आपको पावर बटन यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो सिम डाल करके अपना ट्रे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इसके अंदर जो दिया गया है, जो सिम जो ट्रे है वो कितने सिम डाल सकते हैं, वो आप देख लेते हैं हम इसके अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने देख इसको निकाल दिया है। यहाँ पे एक दो सिम लगा सकते हैं, एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं आप इजीली, तो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से मैं इसको ऐसे लगा दे रहा हूँ पहले तो, और यहाँ से मैं इसको बूट कर ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ से ये ओपन हो रहा है, तब तक मैं आपको इसका डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर दिखा देता हूँ क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 10 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको रखते हैं इसके अंदर, बॉक्स के अंदर वापस से। और ये आपको जैसा कि बताया, टाइप सी केबल नहीं मिलता है, नॉर्मल USB केबल है, जो कि इस प्राइस रेंज में तो देना चाहिए। अगर आप फ़ोन परचेस करते हैं तो आपको लेना चाहिए अच्छे से फ़ोन देख करके। तो ये फ़ोन ठीक ठाक बजट के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसका बैक में स्पेसिफिकेशन लिखा होता है, तो इसमें तो ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं लिखा हुआ, फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रोसेसर G35 MediaTek Helio G35 देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.3 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर, डुअल VoLTE सपोर्टेड वाईफाई कनेक्टिंग। और यहाँ पे देखने को मिलता है 13 MP कैमरा और प्लस 2 MP माइक्रो कैमरा है, और डेप्थ सेंसर कैमरा 2 MP है। प्राइमरी आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 MP है, रेयर जो सेल्फी कैमरा होता है जिसको बोलते हैं, जो यहाँ पे दिए गए। 512 GB तक आप इसके अंदर स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हालांकि ये जो मेरा स्टोरेज है 64 GB मिला है, तो अभी मैं सेटअप करने के बाद देखते हैं कि बताया तो गया 64 GB इसके अंदर कितना मिलता है, तो फटाफट से इसको मैं सेटअप कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पे काफ़ी कमाल का लग रहा है फ़ोन, अट्रैक्टिव फ़ोन है आप देख सकते हैं। और इसको मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो सेटअप करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करने होंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और इसमें आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है, तो फिंगरप्रिंट और कैमरा भी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ से इसको मैं अलाउ कर दे रहा हूँ, स्किप कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से जो भी है ये सारे, इन सबको ऑफ कर दीजिएगा और यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से मैं फिंगरप्रिंट को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से नॉर्मल कोई सा भी लॉक सेटअप कर ले रहा हूँ। लॉक लगाना चाहे तो आप भी लगा सकते हैं।
मैं तो नॉर्मल लॉक लगा रहा हूँ ये वाला, और आप भी यही लगा लीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट को टेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से वाइब्रेट होना बंद हो जाए तो समझ जाइएगा। बाकी ये सब आप चाहते हैं कि जो ऐड है वो शो हो नहीं शो, तो ऐड यहाँ से पर्सनल ऐड यहाँ से बंद कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ पे क्लिक करके, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे लोकेशन भी बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं, डेटा वगैरह भी बंद कर सकते हो। यहाँ से ये EMI गैलेंस रहने दीजिएगा, स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली जो वॉलपेपर चेंज होता है, अगर आप चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आऊँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल के आपको आजकल वीडियो देखने को मिल रहा होगा इस चैनल पे, बहुत ही ज़्यादा अनबॉक्सिंग की वीडियो भी आपको देखने को मिल रहा होगा रिव्यू की। तो थोड़ा सा आपको इसको सपोर्ट करना होगा इस चैनल को, तो सपोर्ट करेंगे आप रेगुलर वॉच करेंगे अनबॉक्सिंग की वीडियो, तो और भी देखने को मिलेंगे फ्यूचर में वीडियो। तो थोड़ा सा जब तक इसको पॉज कर देता हूँ जब तक ये ऐप लोडिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फाइनली हमने सेटअप कर लिया। अब यहाँ से कुछ कैमरा सैंपल्स वगैरह ले लेता हूँ। सबसे पहले हम फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे। तो फिंगरप्रिंट थोड़ा स्लो है, आप देख सकते हैं मैं टच कर रहा हूँ तो ये अब थोड़ा फास्ट हो गया, मतलब वही आपको 5 सेकेंड लग जाता है इसको ओपन होने में। फिंगरप्रिंट देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं टच करने के कुछ सेकंड बाद ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे फेस लॉक भी टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फेस लॉक हमें सेट करना होगा, तो सेट कर लेता हूँ मैं फटाफट से। तो आप देख सकते हैं फ़ोन भी थोड़ा बहुत हैंग हो रहा है, आप देख सकते हैं कब का मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इतना लेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो जो G35 है प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं होता है, पर 10,000 से नीचे के प्राइस में आपको ये वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो मैं फेस लॉक सेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने फेस लॉक को सेट कर लिया है। अब हम यहाँ से टेस्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं फेस लॉक तो फिंगरप्रिंट लॉक जैसा ही है। तो आप देख सकते हैं फेस लॉक फिंगरप्रिंट लॉक एवरेज है। अब इसका फ़ोटोज़ वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ क्लिक करके, और फ़ोटोज़ मैं बाद में दिखाऊंगा, सबसे पहले इसकी साउंड क्वालिटी हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने म्यूज़िक डाउन कर दिया, अब इसको बढ़ा रहे हैं। 50% पे आपको इतना साउंड सुनाई देगा, 100% पे आपको ये साउंड सुनाई देगा। तो साउंड में मुझे अच्छी क्लैरिटी समझ में आ रही है, साउंड अच्छा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से वीडियो रेजोल्यूशन भी हम चेक कर लेते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसा है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ 4K वीडियो, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसका रेजोल्यूशन 3 FPS पे है, तो इसको मैं 1080p पे कर देता हूँ। और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं आपको कैसा दिख रहा होगा, ब्राइटनेस भी यहाँ पे फुल है, ऑलमोस्ट फुल कर दिया हूँ मैंने पूरा। और देख सकते हैं क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिया है, डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसकी सेटिंग में जाके हम देखते हैं जो UI वर्जन कौन सा दिया गया है,
ब्राइटनेस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। अबाउट फ़ोन में जाके हम चेक करेंगे तो आपको इसमें जो स्टोरेज है 64 GB आपको देखने को मिलता है, बट इसमें 3 GB रैम देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज 20 GB ऑलमोस्ट पहले से बड़ा हुआ है, लेकिन 32 GB स्टोरेज वाला मैंने वेरिएंट मंगाया है, तो आप चाहे तो बड़ा वेरिएंट मंगा सकते हैं, बट इसके अंदर पहले से ही 20 GB ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि 10 GB मतलब ये सिस्टम ही ले लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ से मैं एंड्रॉयड वर्जन की बात करूँ, यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन आपको इस पर दिखेगा 11 आपको देखने को मिलता है, तो एंड्रॉयड 11 आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, और भी अपडेट आएंगे फ्यूचर में तो आप अपडेट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और आपको ये फ़ोन आपको 6 GB 4 GB रैम और 6 GB स्टोरेज के साथ 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज आपको देखने को मिलता है, जो कि 8000 के रेंज में आपको देखने को मिलता है, तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये वाला वेरिएंट मंगाया है, ये अब मुझे 7000 में पड़ा है, अगर 1000 रुपये और लगाता था स्टोरेज और रैम मुझे फ्री में मिलता तो काफ़ी अच्छा है, पर 1000 रुपये भी काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, तो मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे चेक करते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये फ़ोटो क्लिक किया है, तो कैमरा तो काफ़ी अच्छा है 13 मेगापिक्सल में, ज़्यादा जूम करने पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे फटता है थोड़ा बहुत पिक्सल्स, बट हाँ मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट कैमरा में नहीं निराश नहीं करेगा आपको। यहाँ पे अगर कुछ पौधे की फ़ोटोज़ लिया है और इसकी देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी भी क्लैरिटी काफ़ी कमाल की है, देख सकते हैं जूम करने के बाद भी काफ़ी अच्छा क्लैरिटी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सेल्फ़ी कैमरा की भी बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कैमरा है जो कि काफ़ी अच्छी देखने को मिल रहा है सेल्फ़ी में भी, और दो फोटो मैंने क्लिक किया है, देख सकते हैं ये थोड़ा सा मूव हो गया है, ये थोड़ा फोकस अच्छे से किया है। तो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ अगर इसमें स्लो मोशन कैमरा की देखते हैं, अगर इसमें होता है तो आपको स्लो मोशन वीडियो जो फीचर्स है वो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लो मो वीडियो आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम क्या करें, यहाँ से देख सकते हैं स्लो मोशन ऐप वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप टिकटॉक वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, टाइम लैप्स देखने को मिलता है पर स्लो मोशन वीडियो सेटिंग नहीं देखने को मिलता है। तो गाइस बात करते हैं इसमें कॉल रिकॉर्डिंग जो कि है या नहीं है, तो कॉल रिकॉर्डिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, बट आपको कॉल रिकॉर्डिंग तभी दिखेगा जब यहाँ पर डायल करेंगे तो वहाँ पर आपको शो होगा कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, और यहाँ से आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे हिस्ट्री में आप देखेंगे तो वहाँ पे माइक का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो फन टच ओएस के साथ आ रहा है ये कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो डायल पैड है। तो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको ये फ़ोन इस प्राइस के हिसाब से ठीक लगा या नहीं लगा। वैसे इस प्राइस से कम में आपको कोई अच्छा फ़ोन नहीं देखने को मिलता है, 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज 7000 में तो एटलीस्ट कोई नहीं देता, 7000 में मैंने परचेस किया। बताइएगा कि ये डील मुझे मतलब आपको कैसा लगता है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अभी अमेजोन पे सेल लगा हुआ है, आप खरीद सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो पसंद आए, पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।